हेलो दोस्तों, तो चलिए हम लोग बात कर रहे थे समसामयिक की घटना चक्र वार्षिकांक 2019 को देख रहे हैं। तो इसमें हम लोग बात कर रहे थे वैज्ञानिक परिदृश्य के बारे में। इसमें हम लोग बात कर चुके हैं अद्यतन पर्यावरण विज्ञान के बारे में। अब बात करेंगे हम लोग रक्षा विज्ञान के बारे में। याद रखिए, अभी तक हम लोग जितने भी चैप्टर खत्म कर चुके हैं वो आप सभी को एक जगह मिल जाएंगे, वो है समसामयिक की घटना चक्र 2019 के नाम से प्ले लिस्ट सूची में सूची बनी हुई है, ठीक है, उसी में पड़े हुए हैं। चलिए देखते हैं हम लोग। ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ 21 से 22 अक्टूबर 2019 को भारतीय वायुसेना द्वारा गतिशील प्लेटफॉर्म से ब्रह्मोस मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह के ट्रैक द्वीप से मिसाइल को दाग कर 300 किलोमीटर दूर स्थित लक्ष्य पर निशाना लगाया गया। इस परीक्षण फायरिंग का मुख्य उद्देश्य भारतीय वायुसेना की उच्चतम परिशुद्धता के साथ लक्ष्य को भेदने की क्षमता का परीक्षण करना था। इसके पूर्व 22 मई 2019 को भारतीय वायुसेना ने सुखोई 30 MK1 MKI लड़ाकू विमान से ब्रह्मोस मिसाइल्स के वायु से प्रक्षेपित किए जाने का संस्करण का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मोस मिसाइल का यह संस्करण 2.5 टन वजनी है। यह वायु से सतह में 300 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम है। 22 नवंबर 2017 को पहली बार भारतीय वायुसेना ने कि सुखोई 30 MKI विमान से विश्व में सबसे तेज गति से मार करने वाली सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस का उड़ान परीक्षण किया गया था। उल्लेखनीय है कि 2.8 मैक गति से मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल सुखोई 30 MKI विमान पर तैनात किए जाने वाला सबसे वजनी हथियार है। 22 मई 2019 को भारतीय थल सेना की पूर्वी कमान की एक इकाई द्वारा कार निकोबार द्वीप से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया गया। यह परीक्षण भारतीय थल सेना, वायुसेना, नौसेना के संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास के अंग के रूप में किया गया। ब्रह्मोस मिसाइल का 500 किलोमीटर दूरी तक मार करने वाली वाला उन्नत संस्करण भी बनकर तैयार है। उल्लेखनीय है कि ब्रह्मोस मिसाइल की पोत सतह तथा पनडुब्बी से लॉन्च किए जाने वाले संस्करण भी अस्तित्व में है। अब बात करते हैं एमबैक्स अभ्यास 2019। 18 से 22 अक्टूबर 2019 के मध्य एमनेक्स 2019 का आयोजन भारत और म्यांमार के बीच नौसेनाओं के मध्य विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। याद रखना, एमनेक्स भारत व म्यांमार के बीच होता है, अभी इस बार विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में किया गया है। इमनेक्स से तात्पर्य इंडिया म्यांमार नेवल एक्सरसाइज से है। अभ्यास के दूसरे संस्करण का शुभारंभ INS रणविजय विध्वंसक पोत पर आयोजित समारोह से हुआ है। इस अभ्यास को दो चरणों, बंदरगाह चरण और सागर चरण में आयोजित किया गया। बंदरगाह चरण के दौरान भारतीय नौसैन्य इकाइयों का दौरा विशाखापट्टनम में प्रशिक्षण व रख रखाव जैसे कार्य शामिल हैं। सागर चरण के दौरान भारतीय नौसेना द्वारा INS रणविजय और INS कुथर युद्धपोत, जबकि म्यांमार नौसेना द्वारा UMS सिन फूसिन युद्धपोत और UMS तबिन स्वेती युद्धपोत का उपयोग संयुक्त नौसेना अभ्यास में किया गया। प्रथम एमनेक्स अभ्यास का आयोजन वर्ष 2018 में किया गया था, याद रखें। फिर INS खंदेरी नौसेना में शामिल की गई है। 28 सितंबर 2019 को मुंबई स्थित नौसैनिक पोतगाह में पर आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने स्वदेश निर्मित पनडुब्बी INS खंदेरी को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। जनवरी 2017 में INS खंदेरी का जलावतरण किया गया। खंदेरी भारतीय नौसेना हेतु निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियों की श्रृंखला की दूसरी पनडुब्बी है। यह एक डीजल इलेक्ट्रिक स्टील
पनडुब्बी है जो रडार से बचकर निकल सकती है। आईएनएस खंदेरी का नाम हिंद महासागर में पाई जाने वाली एक खतरनाक शिकारी मछली के नाम पर रखा गया है। खंदेरी मराठा शासक छत्रपति शिवाजी द्वारा निर्मित एक द्वीपीय किले का भी नाम है। आईएनएस खंदेरी की लंबाई 67.5 मीटर तथा ऊंचाई 12.3 मीटर है। मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा फ्रांस के मिसेस नेवल ग्रुप के सहयोग से प्रोजेक्ट 75 के तहत वर्तमान में निर्माणाधीन कलवरी श्रेणी की 6 पनडुब्बियां फ्रांस की स्कॉर्पिन श्रेणी की पनडुब्बियों पर आधारित हैं। खंजेरी के अंतरिक्त इस श्रेणी की 5 शेष पनडुब्बियां हैं, कलवरी, करंज, वेला, वागीर और वागसीर। स्कॉर्पिन श्रेणी की पहली पनडुब्बी आईएनएस कलवरी, जिसे दिसंबर 2017 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A का पहला युद्ध 28 सितंबर 2019 को मुंबई स्थित मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में आयोजित एक समारोह में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आईएनएस नीलगिरी का जलावतरण किया है संपन्न किया है। आईएनएस नीलगिरी प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माणाधीन प्रथम युद्धपोत है। प्रोजेक्ट 17A के तहत कुल 7 युद्धपोतों का निर्माण किया जाना है, जिनमें से 4 पोत मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई द्वारा तथा 3 पोत गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड कोलकाता द्वारा निर्मित किए जाने हैं। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्मित होने वाले युद्ध पोतों की लंबाई 149 मीटर, विस्थापन लगभग 6,670 टन होगा। ये पोत 28 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम होंगे। ये पोत अत्याधुनिक निर्देश मिसाइलों से लैस होंगे। प्रोजेक्ट 17 के संदर्भ में तकनीकी सलाह प्रदान करने के माध्यम से इटली की पोत निर्माता कंपनी फिनकेंत्री मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एवं गार्डन रिच शिप बिल्डर्स लिमिटेड के साथ सहयोग करेगी। प्रोजेक्ट 17A के तहत निर्माणाधीन पोत सतह से हवा में मार करने वाली वराक-8 मिसाइल से लैस होगी। उल्लेखनीय है कि वराक-8 मिसाइल भारत एवं इजराइल का संयुक्त उपक्रम है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी प्रोजेक्ट 17A के पोतों पर तैनात की जाएगी। 127 mm की ऑटो मिलारा बंदूक भी प्रोजेक्ट 17A के पोतों पर तैनात की जाएगी। प्रोजेक्ट 17A के पोत इजराइल से प्राप्त MF स्टार रडार से भी लैस होंगे। आगे बात करते हैं अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण। भारतीय वायुसेना द्वारा सितंबर 2019 में Sukhoi-30 MKI विमान से अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण उड़ीसा के तटीय क्षेत्र में किया गया। 16 से 19 सितंबर 2019 के मध्य इस मिसाइल के 5 परीक्षण किए गए। अस्त्र दृश्य सीमा से परे स्वदेश निर्मित हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। मिसाइल का विकास रक्षा अनुसंधान विकास संगठन DRDO द्वारा किया गया। परीक्षण के दौरान मिसाइल को विभिन्न रडार, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल ट्रैकिंग सिस्टम और सेंसर के माध्यम से ट्रैक किया गया है। अत्याधुनिक निर्देशन एवं नेविगेशन तकनीकों के माध्यम से अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक मार कर सकती है। अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल। तो 3 सितंबर 2019 को एयरफोर्स स्टेशन पठानकोट में भारतीय वायुसेना ने AH-64E अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है। ठीक है, इसके पूर्व 10 मई 2019 को अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग द्वारा भारतीय वायुसेना को पहला अपाचे गार्जियन हेलीकॉप्टर अमेरिका के मेसा एरिजोना स्थित उत्पादन प्रतिष्ठान में औपचारिक रूप से सौंपा गया। वर्ष 2015 में 22 अपाचे हेलीकॉप्टरों के लिए भारत और अमेरिका के मध्य अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए।
बोइंग कंपनी द्वारा AH-64E उन्नत संस्करण के अपाचे हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना को प्रदान किए जाएंगे, जो भारत की भौगोलिक परिस्थिति के अनुकूल निर्मित किए जा रहे हैं। AH-64 अपाचे अमेरिका की बोइंग कंपनी द्वारा निर्मित दुनिया का सबसे उन्नत बहुभूमिका वाला हेलीकॉप्टर है, जिसका अमेरिकी सेना व अन्य अंतर्राष्ट्रीय रक्षा बलों द्वारा उपयोग किया जा रहा है। ठीक, अपाचे हेलीकॉप्टर के वैश्विक खरीदारों में मिस्र, ग्रीस, भारत, इंडोनेशिया, इजराइल, जापान, कोरिया, कुवैत, नीदरलैंड, कतर, सऊदी अरब, सिंगापुर, यूएई, यूके जैसे देश शामिल हैं। अब बात करते हैं पैसिफिक वैनगार्ड 22 से 28 मई 2019 के मध्य पश्चिमी प्रशांत महासागर क्षेत्र के माइक्रोनेशिया में स्थित गुआम द्वीप के तट पर पैसिफिक विनगार्ड संयुक्त नौसैनिक अभ्यास का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया है। यह इस क्षेत्र में अपनी तरह का प्रथम आयोजन था। इस अभ्यास में संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोरिया गणराज्य के 3,000 से अधिक नौसैनिकों ने भाग लिया है। यह अभ्यास हिंद प्रशांत क्षेत्र में संयुक्त राज्य अमेरिका उसके सहयोगी देशों के साथ किया गया एक बड़ा अभ्यास था, जिसमें यूएस 7वीं फ्लीट ने एक बड़े बेड़े के साथ प्रतिभाग किया। अब बात करते हैं अगला नौसैन्य अभ्यास वरुण 2019। वरुण 2019 भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के मध्य आयोजित किए जाने वाले द्विपक्षीय नौसैन्य अभ्यास वरुण की श्रृंखला का 17वां संस्करण है। याद रखना, नौसैन्य अभ्यास वरुण भारत और फ्रांस की नौसेनाओं के बीच होता है। नौसैन्य अभ्यास वरुण 2019 दो चरणों में संपन्न हुआ। वरुण 2019 नौसैन्य अभ्यास के प्रथम चरण का आयोजन 1 से 10 मई 2019 के मध्य गोवा के समुद्री तट के निकट किया गया। 1 मई से 6 मई 2019 के मध्य अभ्यास में का बंदरगाह चरण एवं 7 से 10 मई 2019 के मध्य समुद्री चरण आयोजित किया गया। इस नौसैन्य अभ्यास के दूसरे चरण का आयोजन मई 2019 के अंत में जिबूती में किया गया। फ्रांस की तरफ से इस नौसैन्य अभ्यास में विमान वाहक पोत FNS चार्ल्स डी गोल, विध्वंस पोत FNS फोरवीन एवं FNS प्रोवेंस, युद्धपोत FNS लाटक ट्रेविल, टैंकर FNS मार्न आदि ने भाग लिया है। और भारतीय सेना के INS विक्रमादित्य, INS मुंबई, INS तरकस, INS संकुल, INS दीपक आदि ने नौसेना अभ्यास में भाग लिया है। इसे वर्ष 1983 में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक, बात करते हैं ओसिनडेक्स 2019। भारत और ऑस्ट्रेलिया किस किस के बीच? भारत और ऑस्ट्रेलिया के मध्य ओसिनडेक्स नौसैन्य अभ्यास 2019 का आयोजन 2 अप्रैल से 14 अप्रैल 2019 के बीच मध्य हुआ है। ओसिनडेक्स संयुक्त नौसैन्य अभ्यास का यह तीसरा संस्करण था। तीन चरणों तथा युद्ध के तीनों आयामों में संपन्न हुए इस नौसैन्य अभ्यास का मुख्य फोकस पनडुब्बी रोधी युद्ध कला पर था। तीन चरणों में आयोजित इस नौसैन्य अभ्यास के प्रथम चरण के अंतर्गत 2 से 7 अप्रैल 2019 के मध्य विशाखापट्टनम के विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। 7 से 11 अप्रैल 2019 के मध्य दूसरे चरण का आयोजन बंगाल की खाड़ी में किया गया। इस सैन्य अभ्यास में अंतिम चरण का आयोजन 12 से 14 अप्रैल 2019 के मध्य किया गया। इस अभ्यास में भारतीय नौसेना के फ्रोतों INS रणविजय, INS सहाद्री, INS कोरा, INS किल्टान, पनडुब्बी, INS सिंधु कीर्ति, चेतक हेलीकॉप्टर और P-8I ASW विमान इत्यादि ने भाग लिया इसमें। अब बात करते हैं आकाश मार्क 1S मिसाइल का सफल परीक्षण। 25 एवं 27 मई 2019 को उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से DRDO द्वारा आकाश मार्क 1S
मिसाइल का परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। वास्तव में आकाश मार्क वन एस मिसाइल आकाश मिसाइल का ही उन्नत संस्करण है। आकाश मार्क वन एस मिसाइल स्वदेशी सीकर से लैस है। उल्लेखनीय है कि सीकर प्रौद्योगिकी की किसी मिसाइल की परिशुद्धता को निर्धारित करता है। यह प्रौद्योगिकी लक्ष्य का पता लगाकर मिसाइल को वहां पहुंचाने में मदद करती है। आकाश मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। विमान भेदी प्रक्षेपास्त्र आकाश राजेंद्र रडार व सचल यंत्रों की सहायता से समांतर रूप से अनेक लक्ष्यों को निशाना बना सकती है। 2.5 मैक की सुपरसोनिक गति से उड़ान भरने वाले आकाश प्रक्षेपास्त्र की मारक दूरी 25 से 30 किलोमीटर तक है। आकाश मिसाइल का प्रथम उड़ान परीक्षण वर्ष 1990 में संपन्न हुआ था। उल्लेखनीय है कि आकाश मिसाइल को भारतीय थल सेना एवं वायुसेना में शामिल किया जा चुका है। ठीक है, अब बात करते हैं AL-CU-L-56 भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है। 30 मार्च 2019 को लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी मार्क फोर श्रेणी के छठे पोत LCU-L-56 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। उल्लेखनीय है कि L-56 गार्डन रीच शिपगार्ड एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित 100वां पोत है। इसी के साथ GRSE भारतीय नौसेना तटरक्षक बल और मॉरिशस कोस्ट गार्ड के लिए 100 युद्ध पोतों का निर्माण एवं आपूर्ति करने वाला देश का पहला शिप गार्ड बन गया। एलसीयू पोतों का प्राथमिक कार्य मुख्य युद्धक टैंकों बख्तरबंद वाहनों सैनिकों एवं सैन्य उपकरणों को समुद्र तट तक ले जाना है। साथ ही इन पोतों का उपयोग समुद्र तट संचालन खोज एवं बचाव आपदा प्रबंधन राहत कार्यों में किया जा सकता है। अब बात करते हैं मित्र शक्ति 2019। 26 मार्च से 8 अप्रैल 2019 के मध्य भारत और श्रीलंका, याद रखना मित्र शक्ति अभ्यास किसके बीच होता है, भारत और श्रीलंका की थल सेनाओं के मध्य संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास मित्र शक्ति 2019 संपन्न हुआ है। संपन्न 14 दिवसीय द्विपक्षीय सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास भारत एवं श्रीलंका की संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति का छठा संस्करण था। यह संयुक्त प्रशिक्षण सैन्य अभ्यास दियात लावा परेड ग्राउंड श्रीलंका में आयोजित हुआ है। भारत और श्रीलंका की नौसेनाओं के मध्य इसलनेक्स नाम से द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास वर्ष 2005 से आयोजित हो रहा है। अब बात करते हैं विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2018। 29 अप्रैल 2019 को सिप्री द्वारा विश्व में सैन्य खर्च से संबंधित विश्व सैन्य खर्च प्रवृत्तियां रिपोर्ट 2018 प्रकाशित की गई। इस रिपोर्ट में सिप्री ने वर्ष 2018 के लिए चुनिंदा देशों के सैन्य खर्च से संबंधित आंकड़े संकलित किए हैं। साथ ही 2019 2009 से 2018 के दशक में सैन्य खर्च की प्रवृत्तियों को प्रस्तुत किया है। सिप्री द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में विश्व सैन्य खर्च 1822 बिलियन अमेरिकी डॉलर तक पहुंच गया है, जो वर्ष 2017 में कि विश्व सैन्य खर्च से 2.6% अधिक है। वर्ष 2018 में सेना पर सर्वाधिक खर्च करने वाला देश अमेरिका 649 बिलियन डॉलर रहा, जबकि चीन 250 बिलियन अमेरिकी डॉलर, सऊदी अरब 67.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर, भारत 66.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर तथा फ्रांस 63.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, क्रमशः दूसरे तीसरे चौथे और पांचवें स्थान पर। तो याद रखना भारत चौथे नंबर पर है, याद रखिए कहाँ 649 बिलियन डॉलर अमेरिका का, भारत 66 केवल। ठीक, इन पांच देशों का कुल सैन्य खर्च वैश्विक सैन्य खर्च का कुल 60% है। 2018 में विश्व सैन्य खर्च वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 2.1% रहा, जो प्रति व्यक्ति के संदर्भ में 219 अमेरिकी डॉलर है। इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2018 में भारत का सैन्य खर्च 66.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर है, जो इसके सकल घरेलू उत्पाद का 2.4% है।
अब बात करते हैं पिनाक का सफल परीक्षण। 11 से 12 मार्च 2019 को राजस्थान के पोखरण रेंज से पिनाक निर्देशित रॉकेट प्रणाली का सफल परीक्षण किया गया है। पिनाक के उन्नत संस्करण को दिशा निर्देश प्रणाली से लैस किया गया है। इसकी मारक क्षमता 70 किलोमीटर हो गई है। पूर्व में पिनाक में दिशा निर्देश प्रणाली नहीं थी और इसकी मारक क्षमता 40 किलोमीटर थी। पिनाक इस दिशा निर्देश संस्करण को पिनाक मार्क सेकंड की संख्या दी गई है। पिनाक के विकास में पुणे के आयुध अनुसंधान एवं विकास संस्थान ARDE तथा अनुसंधान केंद्र इमारत RCI हैदराबाद शामिल है। पिनाक एक विश्व स्तरीय मल्टी बैरियर रॉकेट विक्षेपण प्रणाली है। बात करते हैं INS इम्फाल का जला अवतरण। 20 अप्रैल 2019 को मझगांव डाक शिपगार्ड शिप बिल्डर्स लिमिटेड 2000 लिमिटेड मुंबई में INS इम्फाल नामक युद्धपोत का जलावतरण संपन्न हुआ है। INS इम्फाल परियोजना 15वीं के तहत निर्मित तीसरा युद्धपोत है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड द्वारा भारतीय नौसेना हेतु परियोजना 15वीं के तहत 4 युद्धपोतों का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना 15वीं के तहत निर्मित प्रथम विध्वंस पोत INS विशाखापट्टनम का जलावरण अब 20 अप्रैल 2015 को, जबकि दूसरे पोत INS मुगाओ का जलावतरण 17 सितंबर 2016 को किया गया। इस श्रृंखला का चौथा युद्ध पोत INS पोरबंदर जो अभी निर्माणाधीन है। परियोजना 15वीं के तहत निर्मित किए जा रहे पोतों को नई दिल्ली स्थित नौसैनिक डिजाइन निर्देशालय द्वारा स्वदेश में ही डिजाइन किया गया। 163 मीटर लंबे 7300 टन वजनी ये पोत 4 गैस टरबाइन आधारित इंजनों द्वारा चलित हैं एवं 30 नोट से अधिक की गति प्राप्त करने में सक्षम है। इन पोतों से निर्देशित मिसाइल को लॉन्च किया जा सकता है। इन पोतों पर 2 बहु उद्देश्यीय हेलीकॉप्टरों को भी तैनात किया जा सकता है। बात करते हैं निर्भर का छठा उड़ान परीक्षण। 15 अप्रैल 2019 को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा ओडिशा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से निर्भर मिसाइल का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न किया गया। यह निर्भर मिसाइल का छठा विकासात्मक उड़ान परीक्षण है। निर्भर भारत की पहली स्वदेशी क्रूज मिसाइल है। निर्भर स्वदेश में डिजाइन एवं विकसित लंबी दूरी की सबसोनिक मिसाइल है। उल्लेखनीय सबसोनिक मिसाइल ऐसी मिसाइल को कहते हैं जो ध्वनि के वेग से कम गति से गतिमान होती है। निर्भर मिसाइल 200 से 300 किलोग्राम युद्ध शीश के साथ 0.7 मील की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। निर्भर मिसाइल को DRDO की बंगलोर स्थित सुविधा वैमानिक विकास प्रतिष्ठान द्वारा डिजाइन किया गया। 2-चरणीय निर्भर मिसाइल 6 मीटर लंबी, इसका व्यास 0.52 मीटर है। लगभग 1500 किलोग्राम भार वाली निर्भर मिसाइल की मारक क्षमता 1000 किलोमीटर है। निर्भर मिसाइल निम्न उन्नतांशों पर भी उड़ान भर सकती है। वृक्षों के समान ऊंचाई से लेकर यह पृथ्वी से करीब 5 मीटर ऊपर तक उड़ सकती है। इसी कारण इसे ट्री टॉप मिसाइल भी कहते हैं। अपनी इस विशेषता के कारण यह आसानी से दुश्मनों के रडार की पकड़ में भी नहीं आती है। तो बात करते हैं ICGS वीर तटरक्षक बल में शामिल। 15 अप्रैल 2019 को ICGS वीर को विशाखापट्टनम में भारतीय तटरक्षक बल के बेड़े में शामिल किया गया। यह पोत तटरक्षक क्षेत्र के कमांडर के प्रशासनिक एवं परिचालन नियंत्रण में विशाखापट्टनम में तैनात किया जाएगा। ICGS वीर अगली पीढ़ी का अपतटीय गश्ती पोत है। मार्च 2015 में भारतीय सरकार, भारत सरकार एवं L&T शिप बिल्डिंग के मध्य 1432 करोड़ रुपए के एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। इस समझौते के तहत L&T शिप बिल्डिंग ने के चेन्नई स्थित कटुपल्ली शिपगार्ड पर भारतीय तटरक्षक बल हेतु 7 अपतटीय गश्ती पोतों का निर्माण किया जाना था। इस समझौते के तहत
निम्न पिथम पोत आईसीजीएस विक्रम है, जिसे अप्रैल 2018 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया जा चुका है। भारत सरकार L&T समझौते के तहत निर्मित द्वितीय पोत आईसीजीएस विजय, जिसे सितंबर 2018 में भारतीय तटरक्षक बल में शामिल किया गया था। इस करार के तहत निर्मित तीसरा पोत आईसीजीएस वीर है। आईसीजीएस वीर की लंबाई 58 मीटर, चौड़ाई 15 मीटर और वजन है इसका 2140 टन। ठीक है, यह पोत 26 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। आईसीजीएस वीर L&T शिप बिल्डिंग द्वारा निर्मित 50वां पोत है। ठीक है, याद रखना। फिर हमारा QRSAM का सफल परीक्षण। 26 फरवरी 2019 को DRDO द्वारा त्वरित प्रतिक्रिया सतह से वायु में मार करने वाली मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया है। मिसाइल का परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से किया गया है। QRSAM लघु दूरी की मिसाइल है, जो एक साथ कई लक्ष्यों को भेज सकती है। यह कनस्तर आधारित उच्च गति की स्वदेशी मिसाइल है। मिसाइल की मारक क्षमता है 25 से 30 किलोमीटर। यह नाभिकीय एवं जैविक हथियार ले जाने में सक्षम है। QRSAM हथियार प्रणाली आसानी से परिवहन योग्य है और इसे प्रतिकूल परिस्थितियों में भी तैनात किया जा सकता है। बात करते हैं धनुष 2 भारतीय थल सेना में शामिल हो गई। 8 अप्रैल 2019 को ऑडियंस फैक्ट्री बोर्ड ने 6 धनुष तोपों की पहली खेप की आपूर्ति भारतीय थल सेना को कर दी है। भारतीय थल सेना ने OFS ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कुल 114 धनुष तोपों के निर्माण हेतु ऑर्डर किया दिया है, जिनकी कुल लागत लगभग 1700 करोड़ रुपए है। प्रत्येक तोप की लागत लगभग है 15 करोड़ रुपए। इन तोपों को बोफोर्स कंपनी की FH-77B तोपों की स्वदेशी संस्करण की संज्ञा दी गई है। वर्ष 1986 से 91 के मध्य भारत ने स्वीडन शस्त्र निर्माता कंपनी बोफोर्स AB से 1.4 बिलियन डॉलर की सौदे के तहत 410 FH-77B तोपें प्राप्त की थी। धनुष 155 mm इंटू 45 कैलिवियर की तोप है। यह भारत में निर्मित लंबी दूरी तक मार करने वाली पहली तोप है। यह तोप लगभग 81% तक स्वदेशी पुर्जों से निर्मित है। धनुष तोप बोफोर्स कंपनी की FH-77B तोपों की तकनीकी के आधार पर ही विकसित की गई है, लेकिन बोफोर्स तोपों की तुलना में अधिक उन्नत है। FH-77B 155 mm इंटू 19 कैलिवर की तोप है। धनुष तोप की नली बोफोर्स तोपों की तुलना में अधिक लंबी है, जिसके कारण यह बोफोर्स तोपों की तुलना में अधिक दूरी लगभग 38 किलोमीटर तक मार कर सकती है, जबकि बोफोर्स तोपों की मार्ग दूरी 27 किलोमीटर तक ही है। धनुष तोप का भार 12.7 टन है और इसे पहाड़ी क्षेत्रों एवं सुदूरवर्ती इलाकों में आसानी से ले जाया जा सकता है। धनुष तोप को जबलपुर स्थित गन कैरिज फैक्ट्री द्वारा स्वदेश में डिजाइन एवं विकसित किया गया है। ठीक, अब बात करते हैं चिनूक हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना में शामिल। 25 मार्च 2019 को भारतीय वायुसेना ने CH-47F-I चिनूक हेलीकॉप्टरों को औपचारिक रूप से अपने बेड़े में शामिल किया है। CH-47F चिनूक अमेरिकी कंपनी बोइंग द्वारा निर्मित एक अत्याधुनिक बहु मिशन हेलीकॉप्टर है। वर्तमान में इस हेलीकॉप्टर का संचालन अमेरिकी थल सेना एवं 18 अन्य देशों के रक्षा बलों द्वारा किया जा रहा है। इस हेलीकॉप्टर के भारतीय संस्करण को CH-47F-I चिनूक नाम दिया गया है। 10 फरवरी 2019 को बोइंग कंपनी की घोषणा के अनुसार बोइंग ने भारत को चिनूक हेलीकॉप्टर की पहली खेप के रूप में 4 हेलीकॉप्टरों की आपूर्ति करती है। वर्ष 2015 में भारत के रक्षा मंत्रालय तथा बोइंग के मध्य
अपाचे तथा चिनूक हेलीकॉप्टरों के उत्पादन एवं प्रशिक्षण संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए गए। इस करार के तहत भारत को 22 AH-64 अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर तथा 15 CH-47F चिनूक हेलीकॉप्टर प्राप्त होंगे। अब बात करते हैं LRSAM का सफल उड़ान परीक्षण हुआ। 24 जनवरी 2019 को उड़ीसा के तट के निकट INS चेन्नई नामक युद्धपोत से LRSAM का उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। LRSAM का पूर्ण रूप है लंबी दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल। ठीक, इस परीक्षण के तहत LRSAM ने युद्धपोत से उड़ान भरकर निम्न ऊंचाई पर उड़ान भरकर रहे एक हवाई लक्ष्य को ध्वस्त किया है। LRSAM को बराक 8 के नाम से भी जाना जाता है। इस मिसाइल का विकास भारतीय नौसेना हेतु रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO द्वारा तथा इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से किया गया है। इस मिसाइल को विमानों, हेलीकॉप्टरों, पोतरोधी मिसाइलों, मानव रहित विमानों जैसे कई हवाई खतरों से सुरक्षा प्राप्त प्रदान करने के लिए विकसित किया गया। 4.5 मीटर लंबी 275 किलोग्राम वजनी बराक 8 मिसाइल 2 मैक की अधिकतम गति से अधिकतम 100 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है। अब बात करते हैं हथियारों से लैस LCH का परीक्षण। जनवरी 2019 को भारत के हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर ने हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से एक गतिमान हवाई लक्ष्य को ध्वस्त कर एक महत्वपूर्ण सफलता अर्जित की। यह परीक्षण उड़ीसा के चांदीपुर स्थित एकीकृत परीक्षण रेंज से संचालित किया गया है। देश में यह पहला अवसर था जब किसी हेलीकॉप्टर से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को सफलतापूर्वक दागा गया है। ठीक, उल्लेखनीय है कि देश की सशक्त सेनाओं में तैनात किसी भी हेलीकॉप्टर ने अभी तक इस प्रकार की क्षमता का प्रदर्शन नहीं किया था। LCH 5.8 टन सैनी का भारत का बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान हेलीकॉप्टर है। देश की सशक्त सेनाओं की परिचालनगत अवस्था आवश्यकताओं हेतु हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने इस हेलीकॉप्टर को डिजाइन एवं विकसित किया है। हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल के अतिरिक्त यह हेलीकॉप्टर 20 mm टररेट मन गन घूमकर वार करने वाली तोपें क्षमता 70 mm रॉकेट्स से लैस। LCH विश्व में एकमात्र ऐसा हेलीकॉप्टर है जिसे सियाचिन ग्लेशियर जैसे अत्यधिक ऊंचे स्थलों से भी परिचालित किया जा सकता है। अब बात करते हैं अग्नि फायर की सफल उड़ान। 10 दिसंबर 2018 को उड़ीसा स्थित अब्दुल कलाम द्वीप से अग्नि फायर बैलिस्टिक मिसाइल का 7वां उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक संपन्न हुआ है। 17.50 मीटर लंबी 50 टन वजनी अग्नि फाइव 3 चरणीय विक्षेपास्त्र है। यह ठोस प्रणोदक संचालित विक्षेपास्त्र अपने साथ 1 से 1.5 टन पारंपरिक एवं नाभिकीय दोनों युद्ध शीश ले जाने में सक्षम है। अग्नि फाइव एक अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी आरंभिक मारक क्षमता 5000 किलोमीटर है, लेकिन इसे 8000 किलोमीटर से 10000 किलोमीटर तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक, फिर है हमारा कोप इंडिया 2018। 3 से 14 दिसंबर 2018 के मध्य भारत और अमेरिका की वायुसेनाओं के बीच संयुक्त वायुसेन अभ्यास कोप इंडिया 2018 संपन्न हुआ है। 12 दिवसीय यह द्विपक्षीय वायुसेन प्रशिक्षण अभ्यास भारत और अमेरिका की संयुक्त सैन्य अभ्यास कोप इंडिया का 14वां संस्करण है। यह पहला अवसर था इस सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास का आयोजन 2 वायु स्टेशनों कलाईकोंडा वायु स्टेशन और अर्जन सिंह वायुसेना स्टेशन पानागढ़ दोनों पश्चिम बंगाल में किया गया है। इस सैन्य अभ्यास में अमेरिकी की वायुसेना की F-15 C-130 सैन्य विमानों तथा भारतीय वायुसेना की सुखोई 30 MKI मिराज 2000 जगुआर
C-130J और अवाक्स सैन्य विमानों ने भाग लिया है। अगली खबर है दो तीव्र गश्ती पोतों का जलावरण। 22 नवंबर 2018 को भारतीय पोत निर्माता कंपनी गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा कोलकाता स्थित हुगली नदी में दो तीव्र गश्ती पोतों का जलावरण किया गया है। ये दो तीव्र गश्ती पोत ICGS अमृत कौर और ICGS कमला देवी हैं, ठीक है। इन दोनों पोतों का नामकरण भारत की दो प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के नाम पर रखा गया है। ये दोनों पोत GRSE द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु निर्मित किए जा रहे 5 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला के क्रमशः तीसरे और चौथे पोत है। उल्लेखनीय है कि इस श्रृंखला का पहला एवं दूसरा पोत क्रमशः ICGS प्रियदर्शनी एवं ICGS एनी बेसेंट है। इन सभी तीव्र गश्ती पोतों की लंबाई 50 मीटर, चौड़ाई 7.5 मीटर और विस्थापन क्षमता लगभग 308 टन है। ये पोत 24 नॉट की अधिकतम गति प्राप्त करने में सक्षम है। अब बात करते हैं ICGS वरुण का जलावतरण। 24 अक्टूबर 2018 को पीपा वाव पतन गुजरात से स्थित रिलायंस नेवल एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के पोतगाह से एक अत्याधुनिक शिक्षण पोत का जलावतरण किया गया। इस पोत का नाम ICGS वरुण है। 3000 टन विस्थापित क्षमता का यह पोत भारतीय तटरक्षक बल के लिए निर्मित अब तक का सबसे बड़ा पोत है। 105 मीटर लंबा यह पोत 10,400 किलोवाट के दो डीजल इंजनों द्वारा संचालित है जो इसे 20 नोट तक गति प्रदान कर सकते हैं। इस पोत का मुख्य कार्य कैडेंटो को समुद्री प्रशिक्षण प्रदान करना है। यह पोत पूर्णतः रिलायंस नेवल एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। अब बात कर लेते हैं अग्नि फोर का सफल परीक्षण। अग्नि फोर का सफल परीक्षण 23 दिसंबर 2018 को बालासोर उड़ीसा स्थित डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप व्हीलर द्वीप बोलते हैं, ठीक है, याद रखें, से नाभिकीय सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि फोर का सफल परीक्षण किया गया। इस परीक्षण के तहत अग्नि फोर मिसाइल को एकीकृत परीक्षण रेंज के प्रशिक्षण विक्षेपण परिसर 4 से दागा गया। मोबाइल लॉन्चर से किया गया अग्नि फोर का यह परीक्षण सेना द्वारा किए जाने वाले उपयोगिता परीक्षण का भाग है। अग्नि द्विचरणीय अग्नि फोर मिसाइल का यह 7वां परीक्षण था। इसमें मिसाइल का विगत परीक्षण 2 फरवरी 2017 को सामरिक बल कमान द्वारा किया गया था। स्वदेशी तकनीकी से विकसित अग्नि फोर मिसाइल की लंबाई 20 मीटर और वजन 17 टन सतह से सतह पर मार करने वाली इस मिसाइल की मारक क्षमता है 4000 किलोमीटर, ठीक है। फिर बात करते हैं हाल का लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर। 14 दिसंबर 2018 को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर के तीसरे प्रोटोटाइप्स की प्रथम उड़ान सफलतापूर्वक संपन्न हुई है। उल्लेखनीय है कि LUH के प्रथम प्रोटोटाइप की प्रथम उड़ान 6 दिसंबर 2016 को जबकि द्वितीय प्रोटोटाइप की प्रथम उड़ान 22 मई 2017 को आयोजित हुई थी। LUH के प्रथम और द्वितीय प्रोटोटाइप के उड़ान परीक्षण से प्राप्त अनुभवों के आधार पर द्वितीय प्रोटोटाइप का निर्माण किया गया जो इसकी सैन्य तैनाती हेतु आवश्यक मानकों के अनुरूप LUH 3 टन श्रेणी का एक नई पीढ़ी का हेलीकॉप्टर है। सैन्य एवं असैन्य दोनों क्षेत्रों में के संचालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु इस हेलीकॉप्टर का विकास हाल के रोटरी विंग रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर ने किया है। यह हेलीकॉप्टर 220 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उड़ान भरने में सक्षम है। यह हेलीकॉप्टर अधिकतम 6.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उड़ान भर सकता है। इस हेलीकॉप्टर को भारतीय सशस्त्र सेनाओं द्वारा संचालित किए जाने वाले चीता और चेतक हेलीकॉप्टरों का स्थान लेने के लिए विकसित किया गया है।
अब बात करते हैं K9 वर्ज T एवं M777 होवित्जर तोपें थल सेना में शामिल हुई हैं। 9 नवंबर 2019 2018 को महाराष्ट्र के नासिक स्थित देवलाली तोपखाना केंद्र में आयोजित एक समारोह में तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने K9 वज्र T और M777 होवित्जर तोपों को राष्ट्र को समर्पित किया है। M777 एक अत्यधिक हल्की 155 mm एवं 19 कैलिबर की तोप है। यह तोप मात्र 4 टन वजनी है। इसे हेलीकॉप्टरों की मदद से एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जा सकता है। 24 से 30 किलोमीटर दूरी तक मार करने में सक्षम यह तोप टाइटेनियम एवं एल्यूमिनियम मिश्र धातु से निर्मित है। भारत ने नवंबर 2016 में विदेशी सैन्य बिक्री कार्यक्रम के तहत 145 M777 होवित्जर तोपों की खरीद हेतु अमेरिका के साथ एक अनुबंध पर हस्ताक्षर किए थे। इनमें से 25 तोपें अमेरिका से आयात की जाएंगी, जबकि शेष तोपें भारत में महिंद्रा समूह की साझेदारी में निर्मित में तैयार होंगी। K9 वज्र T एवं 155 mm एवं 52 कैलिबर की 100 पिंडोदित तोपें हैं। इस तोप की मारक दूरी क्षमता है 28 से 38 किलोमीटर। भारतीय थल सेना हेतु K9 वज्र T तोपों के निर्माण के लिए भारत के लार्सन एंड ट्रूबो तथा दक्षिण कोरिया के हनवा टिकविन के मध्य अप्रैल 2017 में एक समझौता हस्ताक्षर हुआ था। इस समझौते के तहत 4,366 करोड़ रुपए की लागत से 100 K9 वज्र T तोपों का निर्माण किया जाना है। इनमें से पहली 10 तोपें दक्षिण कोरिया से आयात की जाएंगी तथा शेष भारत में L&T द्वारा निर्मित होंगी। उल्लेखनीय है कि K9 वज्र T दक्षिण कोरिया की K9 थंडर तोपों का स्वदेशी संस्करण है। ठीक, यही बात कर लेते हैं हम लोग इस सूक्ष्म दृष्टि जो अध्ययन सी में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस और उनके आंसर परीक्षा की दृष्टि से। ठीक, 27 नवंबर 2019 को PSLV C-47 के माध्यम से विक्षेपण विस्थापित है, तो याद रखना कार्टोसैट 3। 20 नवंबर 2019 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा वर्ल्ड ऑफ द ईयर 2019 घोषित किया गया क्लाइमेट इमरजेंसी को। 18 अक्टूबर 2019 को अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा द्वारा पहली बार अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से केवल महिलाओं को स्पेस वॉक हेतु बाहर भेजा गया है। इस ऐतिहासिक महिला स्पेस वॉक में शामिल महिला या अंतरिक्ष यात्री हैं क्रिस्टीना कोच और जेसिका मीर। ठीक है, 18 अक्टूबर 2019 को बिना किसी पुरुष की उपस्थिति के पहली बार केवल महिलाओं द्वारा किए गए स्पेस वॉक में शामिल जेसिका मीर की यह पहली स्पेस वॉक थी। इस प्रकार जेसिका मीर स्पेस वॉक करने वाली हैं 15वीं महिला। ठीक, अल्टीमा थूले सबसे दूर स्थित ब्रह्मांडीय पिंड है जहां तक कोई अंतरिक्षयान पहुंचा है। नवंबर 2019 में नासा द्वारा इसका पुनर्नामकरण किया गया है। इसका नाम है अरोकोत, नया नाम है अरोकोत। 6 मई 2019 को राजपूत श्रेणी के इस विध्वंस योद्धपोत को नौसेना के बेड़े से सेवामुक्त कर दिया गया, INS रंजीत को। भारत चीन के मध्य 7वें संयुक्त सैन्य अभ्यास हैंड इन हैंड 2018 का चीन के चेंगदू में आयोजित किया गया 10 से 23 दिसंबर 2018 के मध्य। 8 मार्च 2019 को केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने नई दिल्ली में शुभारंभ किया है इंडिया कूलिंग एक्शन प्लान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सॉफ्टवेयर उत्पादों पर राष्ट्रीय नीति 2019 को मंजूरी प्रदान की है। 28 फरवरी 2019 को 27 अगस्त से 1 सितंबर 2019 के मध्य आयोजित इंटरनेशनल एविएशन एंड स्पेस शो मार्क्स 2003 में भारत का प्रतिनिधित्व ब्रह्मोस एयरोस्पेस एवं हिंदुस्तान एरोनोटिक्स लिमिटेड ने किया है। मार्क्स 2019 का आयोजन स्थल है रूस मॉस्को के निकट जोको वस्की में। ठीक, सितंबर 2019 में भुवनेश्वर उड़ीसा स्थित नंदन कानन जूलॉजिकल पार्क में कुछ हाथियों की मृत्यु हो गई। क्या कारण था? EEHV वायरस। EEHV का पूर्ण रूप है एलिफेंट एंडो
हेलियोट्रॉपिक हर्पीज वायरस 12 अगस्त 2019 को डॉक्टर विक्रम साराभाई जन्म शताब्दी समारोह का उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद में। 22 अगस्त 2019 को रूस ने सोयुज MS-14 स्पेस क्राफ्ट द्वारा बीकानोर से अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र पर मानव के आकार के एक ह्यूमेनॉइड रोबोट को भेजा है, जिसे नाम दिया गया फेडोर। वह देश जिसने 5 जुलाई 2019 को बोस्तोचिनी एक्स स्पेस पोर्ट से सोयुज 2-1B रॉकेट द्वारा कुल 33 उपग्रह को अंतरिक्ष में स्थापित किया है रूस है। 9 अगस्त 2019 को भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने तीसरे अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक वाहन कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। अंतर्राष्ट्रीय ऑटोमोटिव प्रौद्योगिकी केंद्र मानेसर गुरुग्राम से नोएडा स्थित MIT इंटरनेशनल स्कूल की कक्षा 12वीं के 5 छात्राओं द्वारा विकसित है, जो वृद्धाश्रम के वरिष्ठ नागरिकों तथा अनाथालय के बच्चों के मध्य संपर्क स्थापित करती है। मैत्री मैत्री ऐप को अगस्त 2019 में सैन फ्रांसिस्को में आयोजित लड़कियों के लिए विश्व के सबसे बड़े प्रौद्योगिकी एवं उद्यमिता कार्यक्रम टेक्नोवेशन चैलेंज में प्राप्त हुआ है कांस्य पदक। 14 अगस्त 2019 को लीगो ने अपने ग्रेस डीबी पर सुपर इवेंट अलर्ट की घोषणा की है, जिसे नाम दिया है S19081-4BBB। राज्य में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के उत्पादन एवं बिक्री पर प्रतिबंध को सख्ती के साथ लागू करने के उद्देश्य से अगस्त 2019 में कर्नाटक सरकार ने कर्नाटक विष धारण एवं बिक्री नियम 2019 में संशोधन कर माध्यम से श्रेणी 1 के विष के रूप में अधिसूचित किया है निकोटीन। 22 अगस्त 2019 को जिस वैश्विक संस्था द्वारा जारी माइक्रोप्लास्टिक्स इन ड्रिंकिंग वाटर में कहा गया है कि वर्तमान पेयजल में मौजूद माइक्रोप्लास्टिक मानव स्वास्थ्य के लिए खतरा उत्पन्न नहीं करती, वह संस्था है विश्व स्वास्थ्य संगठन। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इंसेफ्लाइटिस पीड़ितों पर किए गए एक शोध में इंसेफ्लाइटिस के मुख्य कारक के रूप में पुष्टि की गई है स्क्रब टाइफस नामक संक्रामक बीमारी जिस जीवाणु के ससंग से होती है वह है ओरिएंसिया सुसुगामुसी। ओरिएंसिया सुसुगामुसी नामक जीवाणु का भाग या कीट है चिग्गर। वह ऊर्जा जिसे हाल ही में केंद्रीय नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा में घोषित किया है समुद्री ऊर्जा। ठीक है, अगस्त 2019 में चेन्नई के समुद्र तटों पर समुद्र में नीले लहरें दिखी गई। इस परिघटना को जैव संदिप्ति कहा जाता है। इस परिघटना के लिए उत्तरदायी शैवाल है नॉक्टी लुका सी टैंकल के नाम से भी जाना जाता है। 19 अगस्त 2019 को पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक NGO ग्रीस पीस द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में मानव जनित सल्फर डाइऑक्साइड SO2 का सबसे बड़ा उत्सर्जनकर्ता देश है भारत। ग्रीन गीस की रिपोर्ट के अनुसार भारत के वे क्षेत्र जो SO2 का उत्सर्जन के हॉटस्पॉट हैं सिंगरौली नेवेली तालचेर झारसुगुड़ा कोरबा कच्छ चेन्नई रामागुंडम चंदपुर पुराड़ी। ग्रीन पीस की रिपोर्ट के अनुसार विश्व में SO2 उत्सर्जन का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है नोरिलस्क स्मेल्टर कॉम्प्लेक्स रूस में। माउंट एवरेस्ट को प्लास्टिक मुक्त क्षेत्र बनाने के उद्देश्य से नेपाल ने सिंगल यूज प्लास्टिक के उपयोग पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह नया नियम लागू होगा 1 जनवरी 2020 से। जिस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने विश्व के पहले टेस्ट ट्यूब साहुकों का जन्म कराने में सफलता प्राप्त की वह है प्रिटोरिया विश्वविद्यालय दक्षिण अफ्रीका। विश्व के पहले टेस्ट ट्यूब शवकों का नाम क्या है इसो ईसावेल मादा वेक्टरनर। ठीक है, वह देश जिसकी नौसेनाओं का मिसाइल विध्वंस पोत JS सजानामी 13 से 14 अगस्त 2019 के दौरान कोची भारत के 2 दिवसीय दौरे पर रहा है जापान। भारतीय नौसेना के युद्धपोत जो पश्चिमी बेड़े ओवरसीज
नियोजन के एक अंग के रूप में नॉर्वे की 3 दिवसीय यात्रा पर 9 अगस्त 2019 को नॉर्वे के वर्गन बंदरगाह पर पहुंचा है आईएनएस तर्कस। 8 अगस्त 2019 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा खरीद परिषद ने भारतीय नौसेना के लिए जिन उपकरणों की खरीद को मंजूरी दी है वह है स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो तथा अगली पीढ़ी की मैरीटाइम मोबाइल तटीय बैटरी। ठीक है, आगे बात करते हैं। स्वदेशी सॉफ्टवेयर डिफाइंड रेडियो का डिजाइन एवं विकसित किया गया है DRDO BEL तथा वेपन्स इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियरिंग एस्टेब्लिशमेंट द्वारा NGMMCB विकसित और निर्मित है। भारत रूस संयुक्त उद्यम कंपनी मेसर्स बेम्बोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा वह देश जिसका नौसैनिक पोत मेंदेज नुनेज 1 अगस्त 2019 को गोवा के मोरमू गांव बंदरगाह द्वारा पहुंचा है स्पेन। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर लिमिटेड द्वारा भारतीय तटरक्षक बल हेतु निर्मित 5 तीव्र गश्ती पोतों की श्रृंखला का अंतिम पोत जिसका जलावरण 10 अगस्त 2019 को किया गया INS ICGS कलता बरुआ, याद रखना ICGS कनकलता बरुआ। ठीक है, तो ये था हमारा विज्ञान परिदृश्य। ठीक है, वैज्ञानिक परिदृश्य खत्म कर चुके हैं हम लोग पूरी तरह से। अब आगे देखेंगे हम लोग संक्षिप्तियां देखेंगे। ठीक है, चर्चित व्यक्ति हो गए, चर्चित स्थल हो गए 2019 में जो रहे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे संक्षिप्तियां। ठीक है, उसके बाद एक और चैप्टर बचा हुआ है, खेल परिदृश्य टॉपिक बचा हुआ है पूरा। ठीक, तो अगले लेक्चर में हम लोग संक्षिप्तियां से आगे चर्चा करेंगे।